और सीधा बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है और इस दौरे की अहमियत बताने के लिए, दौरे की पल पल अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं बर्लिन से लाइव। प्रणय, जरा बताएं कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये दौरा पीएम मोदी का। देखिए, इस वक्त मैं बर्लिन के बर्लिनबर्ग गेट के ठीक सामने मौजूद हूं और ये वो पहचान है, ये वो जगह है जो बर्लिन की पहचान है, ये विजय द्वार है और इस समय यहां तैयारियां चल रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की। भारत और जर्मनी के रिश्ते जो हैं वो न केवल दो देशों के रिश्ते हैं बल्कि दुनिया की चौथी और पांचवें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रिश्ते हैं। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी अहम ये मुलाकात है, कितनी अहम ये बातचीत होगी जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ शोल्ट्ज़ के बीच में होने जा रही है। और इस मुलाकात के लिए यहां पर खासा उत्साह जो है वो फिलहाल भारतीय समुदाय में भी मौजूद है। सुबह का वक्त है, यहां पर सुबह के 6 बज रहे हैं लेकिन सुबह से यहां पर लोगों का की कतार आप देख सकते हैं अंदर होटल में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। यहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, वो यहां पर सुबह से पहुंचे हुए हैं। आप लोग कब से हैं यहां पर? हम लोग करीब आधे घंटे से हैं इधर। हां जी, सुबह से इसकी तैयारी। नमस्कार, चेहरों के ऊपर रात से ही शुरू है हमारी तैयारी, हम तो शायद सो ही नहीं पाए। हम तो हम फ्रैंकफर्ट के इधर माइंस शहर से आए हैं और कल रात बस 2 घंटे सोए, फिर भी हमारे चेहरे पे तेज है क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड हैं। बिल्कुल, क्योंकि बर्लिन से प्रधानमंत्री एक बार फिर जो है कम्युनिटी इवेंट्स की भी शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि कोविड के दौरान जब भी उनकी विदेश यात्राएं हुई लोगों से उनकी बातचीत का सिलसिला नहीं हो पाया था, तो इस बार आपकी तरफ से कैसा उत्साह? हाँ सर, हम न्यूर्नबर्ग से आए हैं, यहाँ से अराउंड 450 किलोमीटर है। मोदी जी से मिलने का अवसर बहुत कम प्राप्त होता है इसलिए हम बहुत ही एक्साइटेड हैं और कल रात ड्राइव करके आए और अभी 5 बजे से यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो क्या कार्यक्रम रहने वाला है? हम तो परफॉर्म करने वाले हैं मोदी जी के लिए बाहर ब्रांडनबुर्ग टावर के सामने, और मेरे हस्बैंड ये ढोल ताशा ग्रुप के मेंबर है, सो ढोल ताशा से उनका वेलकम करने वाले हैं। बिल्कुल, जो है महाराष्ट्र स्टाइल में ढोल ताशे यहाँ बजते नजर। बिल्कुल, इधर ब्रांडनबुर्ग टावर, ये जो जर्मनी का बहुत आइकॉनिक जगह है, इधर ढोल ताशे बजेंगे बस हमारे प्रधानमंत्री की वजह से। ढोल ताशों के साथ स्वागत होगा, भारत की रंगत में स्वागत होगा, भारत का रंग यहाँ पर नजर आएगा, भारत के लगभग हर प्रांत से। कहाँ से हैं वैसे आप? मैं तो हूँ, तो ऐसे भारत में कहाँ से? मैं कर्नाटक से हूँ। कर्नाटक से? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, कर्नाटक, बैंगलोर। आप भी कर्नाटक? कर्नाटक बैंगलोर से हैं? पुणे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से? यस। और जिस तरीके का स्वागत की तैयारियां दिख रही हैं, थिएटर भी तैयार है यहां पर, और यहां पे सुबह आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है यहां पे आप? आज कल्चरल प्रोग्राम्स है यहाँ पे। एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट वेलकम प्रोग्राम दैट वी आर हैविंग। देयर आर सम कल्चरल परफॉर्मेंसेस बीइंग डन बाय वेरियस इंडियन डायस्पोरा। आई थिंक सम डांसेस आर गोइंग टू बी देयर, देन ढोल ताशा व्हिच इज आई थिंक द महाराष्ट्रियन स्पेशल। तो ढोल हैं, ताशे हैं, संगीत नजर आएगा, इस तरीके से पूरी तैयारी की गई है। आप लोग सुबह से यहाँ पे हैं, तैयारी पूरी। हाँ, बर्लिन यहाँ पे केवल बर्लिन के ही लोग हैं या जर्मनी के? जर्मनी से नीचे साउथ से, म्यूनिख से लेके जर्मनी के हर कोने और दिशा से लोग आए हुए हैं स्पेशली ये सुबह के इसके लिए। लोग तो कल ही आ चुके हैं यहाँ पे, कल ही आके अपने काम में छुट्टी डाल के सिर्फ पीएम मोदी का एक दर्शन करने आए हैं यहाँ पे। कम्युनिटी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है? जरूर जरूर, लाइक बेसिकली फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ जर्मनी पीपल हैव अराइव्ड, दे कम 1 डे बिफोर, 2 डेज बिफोर, एंड ऑल दे आर रेडी टू इनवाइट लाइक सी मोदी जी। सो इट्स उत्साह है, आई थिंक लाइक फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट एंड छोटा छोटा सिटी से लोग आए हैं एंड देर ऑल एक्साइटेड एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर। आज भारतीयों का उत्सव रहने वाला है? बिल्कुल, आज भारतीयों का जोरदार उत्सव रहने वाला है। मोदी जी की एक छोटी सी झलक भी मिल जाए तो सभी भारतीय बहुत खुश हो जाते हैं और हम उसी के लिए सुबह सुबह यहाँ तैयार होकर आए हैं। हम लोग ब्राउनश्वाइग से आए हैं, 200 किलोमीटर दूर से आए हैं, कल रात को यहीं पे रुके और 2-3 घंटे का नींद लिया लेकिन मोदी जी से मिलना है करके अभी सुबह सुबह तैयार होकर आ गए। तो आप देखिए किस तरीके से रेड कार्पेट वेलकम की तैयारी जर्मनी कर कार्यक्रम। अगर अपर्णा मैं आपसे बताऊं तो प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचने के बाद यहां पर उनकी कुछ मुलाकातें हैं, इसके साथ ही जो चांसलर शुल्ट्ज़ हैं उनके साथ उनकी मुलाकात होनी है और यहां से कुछ ही दूर पर चांसलरी है जहां पर जर्मनी के चांसलर का कार्यालय है और उसमें मुलाकात होगी दोनों की। IGC इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन, ये एक यूनिक मैकेनिज्म है जिसमें दोनों देशों के मंत्रियों की मुलाकात होती है, अलग अलग विषयों पर मुलाकात होती है और उसके बाद वो प्लेनरी सेशन तक जाता है जिसे दोनों देशों के जो प्रमुख हैं, दोनों देशों के जो नेता हैं वो चेयर करते हैं। इसके अलावा जो बिजनेस
लीडर्स हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये केवल दो देशों की, दो नेताओं की मुलाकात नहीं है, बल्कि ये दुनिया की चौथी और पांचवें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की मुलाकात है। ऐसे में जबकि दुनिया कोविड से रिकवर करने की कोशिश कर रही है, जो आर्थिक मंदी है उससे पार पाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है भारत के प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर की यह मुलाकात। साथ ही भविष्य की चुनौतियां हैं, ईंधन का क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, उस एनर्जी क्राइसिस को, क्योंकि भारत और जर्मनी दोनों की बात अगर की जाए तो दोनों अपनी एनर्जी सप्लाई का, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पे इंपोर्ट पर निर्भर है, और ऐसे में दोनों की तरफ से कोशिश होगी। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन जो टास्क फोर्स बनी थी दोनों देशों के बीच में, उसमें काम कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जो रिन्यूएबल या क्लीन एनर्जी है उसकी तरफ कैसे आगे ट्रांजिशन किया जा सकता है, साथ ही जो जो एक्सपर्टीज जर्मनी के पास है मशीनरी में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, उसमें भारत किस तरीके से मदद कर सकता है, भारत उनकी स्किल किस तरीके से ले सकता है, साथ ही जर्मनी को किस तरीके से जो सॉफ्टवेयर पावर है भारत का, आईटी पावर है, उससे जर्मनी किस तरीके से लाभ उठा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी है, जहां तक रूस यूक्रेन युद्ध का सवाल है उस मुद्दे को लेकर भी निश्चित रूप से जिस तरीके के संकेत भारत की तरफ से मिले हैं अपना, निश्चित रूप से भारत की तरफ से दो टूक तरीके से, बेझिझक तरीके से अपना पक्ष रखा जाएगा। बीते 2 महीने हो चुके हैं इस युद्ध को शुरू हुए, लेकिन फिलहाल समाधान का रास्ता नहीं नजर आ रहा है, और ऐसे में जर्मनी भी में भी कई लोग ये मानते हैं कि इसमें हथियारबंदी या पाबंदी की बजाय बातचीत और कूटनीति से समाधान का रास्ता निकालने की कोशिशें करना चाहिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, और ऐसे देश जैसे चाहे वो जर्मनी हो या भारत हो, जिनके रूस के साथ भी संबंध हैं, जिनके यूक्रेन के साथ भी संबंध हैं, और ऐसे देशों की पहल के ऊपर समाधान का रास्ता निकाला जा सकता है। तो बहुत व्यापक कार्यक्रम, छोटा दौरा है प्रधानमंत्री का, लेकिन इसमें काफ़ी व्यापक कार्यक्रम है जिसमें बहुत सारे पहलू हैं बातचीत के, उनके ऊपर बातचीत होगी, और साथ ही इसके बाद प्रधानमंत्री डेनमार्क भी जाएंगे। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के अंदर न केवल द्विपक्षीय मुलाकात होगी बल्कि भारत नॉर्डिक समिट भी होनी है, इसके अलग पहलू हैं, उसकी भी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, और साथ ही प्रधानमंत्री पेरिस भी पहुंचेंगे, बेहद कम समय के लिए लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दौरे के लिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री और इमैनुअल मैक्रों, जो कि एक बार फिर राष्ट्रपति चुने गए हैं फ्रांस के, उनकी ये मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि भारत और फ्रांस दोनों सुरक्षा परिषद के भी सदस्य हैं। फ्रांस स्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद का, लेकिन भारत अस्थायी सुरक्षा परिषद का सदस्य है, और अगले कुछ महीनों में भारत की प्रेसिडेंसी आने वाली है सुरक्षा परिषद की, यानी एक बार फिर सुरक्षा परिषद की अगुवाई भारत के पास होगी, और इसलिए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और ये इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये मुलाकात इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दोनों नेता जो हैं, अगर आपको ध्यान हो 2017 में जब इमैनुअल मैक्रों पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे, तब भी उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने ही सबसे पहले बधाई दी थी, वो वहां पहुंचे थे, और इस बार भी ऐसा होगा संयोग कि दूसरी बार जब इमैनुअल मैक्रों राष्ट्रपति चुने गए हैं तो भी उनके पहले सरकारी मेहमान जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी होंगे। तो इस तरीके से काफी व्यापक एजेंडा प्रधानमंत्री का रहने वाला है। पढ़ना बिल्कुल काफी डिटेल में आपने बताया कि कितना महत्वपूर्ण होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा, जिस तरीके से बहुत छोटा दौरा है लेकिन उस दौरे की अहमियत क्या है, क्या गहरे मायने हैं वो आपने आपको हमें बताया, और भारतीय समुदाय के लोगों में कितना उत्साह है, किस तरीके से ढोल ताशे के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है वो भी आपने बताया। आगे भी हमसे जो झलकियां भी दिखाएंगे दर्शकों को, और हर पल की अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। पढ़े बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ABP News, आपको रखे आगे।